क्लास में हमने ये कवर कर लिया था कि पाइन कोन डेटाबेस के साथ हम क्रड ऑपरेशन कैसे करेंगे और उसके ऊपर सर्च कैसे परफॉर्म करेंगे, हम वेक्टर सर्च हम कैसे परफॉर्म कर रहे होंगे ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, ये डिस्कस करने के बाद हमें ये पता लग गया था कि जी वेक्टर सर्च जो है इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्च के दायरा कार के अंदर। पहले फुल टेक्स्ट सर्च होता था, ये उसके बाद अब एक नई अप्रोच आ गई है जो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली चीज़ों को सर्च करके ला रही होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो मैंने कॉपी बनाई थी असल में, ये मैंने ये नंबर 5 पे जो फोल्डर है, मैंने असल में इसकी कॉपी बनाई थी, जो हमने ऑलरेडी MongoDB के साथ रिएक्ट से क्रड कर लिया था ना, उसकी मैंने कॉपी बनाई थी, ये नंबर 6। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगेन यही वाला सेम काम हमने क्या करना है, MongoDB के साथ करना है। तो मैं अब क्या करूँगा, अगेन मैं नंबर 5 वाला जो फोल्डर है, ये हमारा MongoDB का क्रड है, इसकी एक कॉपी बना के, MongoDB का क्रड तो पूरा इसमें हुआ हुआ है, जस्ट हमने सर्च वाला उसके अंदर चीज़ सीखनी है, तो वो मैंने एक ये नंबर 5 वाले फोल्डर की एक कॉपी बना ली है, उसका नाम रखा है मैंने नंबर 7, क्रड ऐप विथ रिएक्ट। सही है, जो ऊपर का नाम मैंने बिल्कुल मैच कर दिया, क्रड ऐप विथ रिएक्ट एंड MongoDB। सही है, इतना नाम मैंने इसका मैच कर दिया 5 वाले के साथ, क्योंकि इतना काम इसमें सेम है। और उसके बाद मैंने लास्ट में ये लगा दिया कि विथ वेक्टर सर्च। ठीक है, बस इसमें क्रड ऑपरेशन पूरा का पूरा वही है, जस्ट इसमें वेक्टर सर्च वाली चीज़ जो है वो ऐड हुई हुई है। अच्छा, तो आ जाते हैं जी, इसको देख लेते हैं इसमें हमने क्या किया हुआ है इस वक्त। राइट नाउ हमारे पास जो है एक सर्वर है, बिल्कुल हमने काफ़ी टाइम से ये सर्वर, हम इसको इंक्रीमेंटल वे में मॉडिफाई करते जा रहे हैं। ठीक है, इस सर्वर के अंदर हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर किया हुआ है, कोर्स को लगाया हुआ है, पाथ को लगाया हुआ है। ठीक है, स्टैटिक होस्टिंग वगैरह सारी हमने इसमें परफॉर्म की हुई है। ये मेरे पास एक्सप्रेस का राउटर लगा हुआ है, जिसमें एक मिनी राउटर बना हुआ है और ये 2 मिनी राउटर बना हुआ है। ठीक है, जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी ये टोटल मेरे पास 4 मिनी राउटर बने हुए हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो है ऑथ राउटर जो है इस वक्त मेरा, वो भी हमने कर लिया था, ऐसे JWT वगैरह कुछ लिखा था इसमें। अभी वो मैटर नहीं करता, हमारा सारा काम जो पोस्ट राउटर के अंदर है ना, वहाँ पे हमारा सारा का सारा काम इस वक्त हो रहा है। और मैं नीचे चलता हूँ, तो यहाँ पे एक्सप्रेस की ऐप को इनिशियलाइज़ किया गया है, उसके बाद यहाँ पे बॉडी पार्सर लगाया गया है, उसके बाद कोर्स को लाइब्रेरी को लगा दिया गया है। ठीक है, ये मेरे पास ऑथ राउटर है, अगर कोई लिखता है /API/V1/login तो वो इस राउटर के अंदर से उसको जवाब मिल रहा होगा, लेकिन मैं और आगे बढ़ जाता हूँ। ये मेरा है बैरियर, किसी लॉगिन करने के बाद बंदे को जो टोकन मिलता है वो टोकन होगा तो आगे जाने देगा, बट इस बैरियर को मैंने फिलहाल क्या किया हुआ है, डिसेबल किया हुआ है। ठीक है, इसमें जस्ट मैंने एक ट्रू करके कंडीशन लगाई हुई, जिसकी वजह से ये कभी भी यहाँ पे रुकता नहीं है। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसको हम कंप्लीट करते हैं, हम रिएक्ट की ऐप के अंदर लॉगिन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस बैरियर को हम वापस से इनेबल कर देंगे, तो यहाँ पर फिर ये रुकना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसको भी छोड़ देते हैं हम। अब नेक्स्ट हम आगे जाते हैं पोस्ट राउटर के अंदर। अब कोई अगर बंदा करता है ना /API/V1/post, ठीक है, जो भी नाम था, वेल इसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, /post, तो /post के ऊपर अगर कोई पोस्ट की रिक्वेस्ट करता है तो उसको बॉडी में क्या देना होगा, टाइटल देना होगा और टेक्स्ट देना होगा, तो वो चीज़ कहाँ पे चली जाएगी, MongoDB के अंदर जाके सेव हो जाएगी। अच्छा, ये सारा का सारा वही कोड है, ठीक है, जाना पहचाना कोड है बिल्कुल आपका। मैंने यहाँ पे ये कलेक्शन ऊपर एक तैयार की हुई है, ठीक है, कलेक्शन मैंने ये ऊपर तैयार की हुई है db.collection और पोस्ट के नाम से। ठीक है, और मेरा जो डेटाबेस है वो क्रड के नाम से, इस तरह डेटाबेस है मेरे पास, क्रड DB। ठीक है जी, अच्छा जी, ये मेरे पास काम हो गया। अच्छा, तो ये मेरा जो, अब आप इसमें नोट करें कि ये जब डेटा इंसर्ट हो रहा है, इसको इंसर्ट करने के दौरान, लास्ट टाइम तो जब हम पाइन कोन में डेटा को इंसर्ट करते थे तो हम क्या करते थे, इस जगह पे पहले उसको वेक्टर में कन्वर्ट करते थे, और वेक्टर में कन्वर्ट करके वो वेक्टर हम साथ में देते थे, यानी मेनली जो चीज़ हम उस डेटाबेस में करवा रहे होते थे ऐड, वो वेक्टर होता था। सही है, मेनली जो चीज़ हम ऐड कर रहे थे वो वेक्टर होता था, जो एक्चुअल मेरा डेटा होता था वो तो मेटा डेटा में उसमें डाल रहे होते थे हम। ठीक है, लेकिन MongoDB के अंदर ऐसा नहीं है, MongoDB के अंदर मेरा एक्चुअल डेटा ही असल डेटा है। ठीक है, क्योंकि MongoDB इटसेल्फ जो है वो नो सीक्वल डेटाबेस है, एक एज अ वेक्टर डेटाबेस इन्होंने अपने आप को मार्केट नहीं किया है, वेक्टर की फैसिलिटी दे चुके हैं अभी, तो वो भी इसके अंदर आ गया है। ठीक है, ऑन अदर एंड जो पाइन कोन है ना, उन्होंने एज अ वेक्टर डेटाबेस ही अपने आप को मार्केट किया है, और वो वेक्टर डेटाबेस ही है, वो ये क्लेम नहीं करता कि वो नो सीक्वल है। ठीक है, नो सीक्वल होने का मतलब है कि वो सारी फैसिलिटीज़ जो नो सीक्वल में होती हैं वो सारी उसमें मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर कर रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने क्लेम नहीं किया ये। MongoDB ऑन अदर एंड ये क्लेम करता है कि हम नो सीक्वल डेटाबेस हैं, और अभी रिसेंटली इन्होंने ये क्लेम किया है कि जी हमने वेक्टर डेटाबेस की सपोर्ट दे दी है, तो जो जो पाइन कोन में होता था वो सारा इसके अंदर अब हो सकता है।
ठीक है। अच्छा अभी ये इस वक्त बीटा में है जो हम करने जा रहे हैं, जो चीज़ अभी ये पब्लिक स्टेबल नहीं हुआ है। पब्लिक तो खैर हो गया है जब भी हम यूज़ कर रहे हैं, स्टेबल नहीं हुआ है ये इस वक्त, ये बीटा में। इसको पब्लिक प्रीव्यू करके इस तरह कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। जब जब कोई भी चीज़ रिलीज़ होती है उसका बीटा वर्जन रिलीज़ होता है तो उसका एक पब्लिक प्रीव्यू आता है और एक डेवलपर प्रीव्यू आता है, ठीक है। जब मतलब आईफोन में भी नया सॉफ्टवेयर जब आता है या एंड्रॉयड के अंदर एक नई अपडेट आती है तो उसका एक डेवलपर प्रीव्यू आता है, तो वो सिर्फ डेवलपर इस वक्त इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बगी होता है, बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा होता है, तो वो डेवलपर्स के लिए होता है, डेवलपर को प्रीव्यू के लिए दिया जाता है कि अच्छा जी आप देखें, आप इसको ज़रा यूज़ टू करें अपने आप को इससे, क्योंकि आपने इसके लिए ऐप डेवलप करनी है। फिर एक होता है यूज़र प्रीव्यू, ठीक है, या पब्लिक प्रीव्यू कहते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि जी जो बंदे अर्ली एक्सेस लेना चाहते हैं यानी जल्दी अपडेट अपने आप को करना चाहते हैं तो वो बीटा पे साइन अप कर लेते हैं जाके, तो वो पब्लिक बीटा जब आता है तो उनको मिल जाता है वो पब्लिक बीटा या पब्लिक प्रीव्यू या यूज़र प्रीव्यू कह लो उसको। तो ये इस वक्त जो है ना काइंड ऑफ एक पब्लिक प्रीव्यू के अंदर है। तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे कोई भी एडिशनल काम नहीं किया, यहाँ पे मैंने कोई भी एडिशनल काम नहीं किया। अब मसला ये है कि ये वेक्टर बनेगा कैसे, और जाहिर है वेक्टर में कभी ना कभी तो ये कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे इसको। तो ये कब वेक्टर में कन्वर्ट होगा, असल क्वेश्चन ये है। तो वो हम देख थोड़ी देर में देखते हैं कि कब कन्वर्ट होगा। तो ये भाई क्रिएट जो हो रही है पोस्ट वो बिल्कुल प्लेन है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके अंदर कोई एडिशनल काम नहीं हुआ हुआ। जो हमने लास्ट किया हुआ था एक्चुअल में वही सारा काम हुआ हुआ है, ठीक है। गेट ऑल पोस्ट के अंदर भी ये गेट ऑल पोस्ट करके वो लिमिट और वो सॉर्ट करके जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब हम ये वाला ऐप बना रहे थे उस वक्त, है ना, ठीक है। तो मैंने कहा भाई कर्सर के अंदर ये फाइंड की पूरी क्वेरी लगा के, ठीक है, इसमें मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट देता हूँ फाइंड की क्वेरी में, इसका मतलब है सब डेटा लाओ, ठीक है। तो ये टू एरे करके ये मुझे यहाँ पे मिल जाता है सारा डेटा और मैं इसको फ्रंट एंड भिजवा देता हूँ, ठीक है जी। तमाम पोस्ट भी गेट हो गई मेरी। अच्छा सिंगल पोस्ट गेट तो हम अभी कर नहीं रहे, एक्चुअली मौजूद है ये भी उसी तरीके से हो रहा है कि जी सिंगल पोस्ट फाइंड वन लगाया और इसमें आईडी के जरिए मंगवा ली पोस्ट या जो भी फील्ड मुझे पता है उसके जरिए मंगवा ली, तो ये गेट हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद हो गया पुट। अच्छा पुट में मैं क्या करता हूँ, पुट में भी ऐसे ही है भाई, जाहिर है जिस पोस्ट को अपडेट करना है उसकी आईडी साथ लाएगा बंदा और कुछ ना कुछ डेटा भी लाएगा, तो उसको मैं चेक करता हूँ भाई वो आईडी है वैलिड के नहीं है, ठीक है। दूसरा मैं ये चेक करता हूँ कि जी बॉडी में टेक्स्ट और टाइटल होना चाहिए, क्योंकि यही दो चीज़ें मेरी जो मेरा सोशल मीडिया जो छोटा सा एक प्लेटफॉर्म में बनाने जा रहा हूँ उसमें जो पोस्ट होती है उसके अंदर एक टेक्स्ट होता है और एक टाइटल होता है, ठीक है। जो टाइटल होता है वो टॉप पे दिखता है और जो टेक्स्ट होता है वो बॉडी के अंदर दिख रहा होता है। अच्छा अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अपडेट वन की क्वेरी चलाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि भाई सेट और डेटा टू बी अपडेटेड, जो मैंने एक ऑब्जेक्ट तैयार किया कि जी ये डेटा है नया जो अपडेट होना है, तो वो नया डेटा यहाँ पर डाल के मैं भेजता हूँ, वो अपडेट हो जाता है, ठीक है। अब आप देखें अभी तक यहाँ पे कोई वेक्टर स्पेसिफिक काम नहीं हो रहा है। डिलीट की मैं एपीआई में जाता हूँ, डिलीट की एपीआई में क्या है मेरे पास, जिस पोस्ट को डिलीट करना है उसकी वो आईडी लेकर आएगा अंडरस्कोर आईडी, और वो आईडी लाने के बाद क्या होगा उसको मैं चेक करूँगा कि जी वो वैलिड मोंगोडीबी आईडी है कि नहीं है, और चेक करने के बाद उसको मैं डिलीट वन की रिक्वेस्ट चलाकर डिलीट वन की क्वेरी चलाकर उसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। दैट्स इट, ये पूरा क्रॉड ऑपरेशन मेरा क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा अब इस क्रॉड ऑपरेशन के अंदर मैंने कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है, इस क्रॉड ऑपरेशन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने मैंने। अब आ जाओ इसको ज़रा चला भी लेते हैं साथ साथ, रिएक्ट सीडी सेवन टैब एंटर npm रन टैब, ये मैंने सर्वर को रन कर दिया और साथ साथ अब मैं क्या कर लेता हूँ सीडी वेब के अंदर जाके npm स्टार्ट हिट कर देता हूँ जिससे मेरा फ्रंट एंड भी चल जाएगा। ओके मेरे फ्रंट एंड के अंदर मुझे एक चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि मैंने वो फ्रंट एंड में ना एक सर्च बार बना लिया था, वो इसमें नहीं है, तो फ्रंट एंड मुझे शायद हो ना वो पाइन कोन वाले में से कॉपी करके लाना पड़े। चलो ले आएंगे, वो मसला नहीं है। पहले हम इसका क्रड ज़रा चला के देख लेते हैं कि क्रड इसका चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा वो चक्कर ये हुआ है कि जो मोंगोडीबी का डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ था ना वो मोंगोडीबी का डेटाबेस मैं कर चुका हूँ डिलीट, ठीक है, तो इसलिए वो उसको डेटाबेस नहीं मिल रहा, सही है। तो मतलब ये वाला जो डेटाबेस इस वक्त यहाँ पे कनेक्ट हुआ है ना, ये डेटाबेस में क्या कर चुका हूँ डिलीट कर चुका हूँ। तो आओ ज़रा जो मेरा अभी वाला डेटाबेस है ना, अभी वाला जो डेटाबेस है उसकी वो हम निकाल के ले आते हैं ज़रा कि क्या है उसकी आईडी वगैरह।
भाई, तो मैं कनेक्ट का बटन दबाता हूँ जहाँ से मुझे, और मैंने कहा कि जी मुझे एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है, और जो ये मेरा यूआरएल है ना एक्चुअली, ये मैंने यहाँ से इतना पार्ट इसका उठा लेना है, ठीक है, और यहाँ पे ना मैंने इतना पार्ट अपडेट कर देना है इसका, ठीक है। अच्छा, ये डीबी यूज़र डीबी पासवर्ड जो इसका बिल्कुल सामने खुला पड़ा हुआ है, ये भी मुझे असूलन एनवायरनमेंट वेरिएबल में रखना चाहिए था, लेकिन ये फ्री वाला डेटाबेस है तो इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी मैं इसको थोड़े दिन बाद डिलीट करता ही रहता हूँ, जैसे अभी आपने देखा कि वो जो 4-5 क्लासों पहले का आइटम था तो वो डिलीट कर चुका था मैं उसको। अच्छा, तो ये जी अब देखते हैं कनेक्टेड इसमें आ रहा है, लिखा हुआ नहीं आ रहा, ठीक है जी। सक्सेसफुली कनेक्टेड का मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ जाता है, इसका मतलब है कि ये पार्ट रन होता है तो मेरे पास डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। डेटाबेस कनेक्ट होने के बाद मेरे पास क्रड जो है वो सही चलना चाहिए। आ जाते हैं जी हमारे अब क्रड वाले ऑपरेशन में, ये जस्ट ये सब कुछ बना हुआ है, अभी हमने कुछ नया कोड नहीं लिखा, आई एम जस्ट वेरीफाइंग के जो मेरा क्रड ऑपरेशन वाला जो मैंने पुराना कोड अभी एक रेप्लिका बनाया उसका, कि वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, जस्ट मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। मैंने कहा कि जी न्यू पोस्ट, और मैंने कुछ यहाँ पे इसको टेक्स्ट दे दिया और पोस्ट का बटन दबाया तो ये पोस्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह मैंने कुछ इसको मज़ीद पोस्ट वगैरह दी यहाँ पे तो ये पोस्ट हो जाता है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करता हूँ ये आ जाता है, एक को मैं डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट भी हो जाता है। एडिट करता हूँ मैं इसको और मैं लिख देता हूँ कि जी अपडेटेड, और सेव का बटन दबाता हूँ तो ये अपडेटेड भी हो जाता है, ठीक है। तो मेरा क्रड ऑपरेशन जो वो बिल्कुल सही चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब ये क्रड ऑपरेशन तो मेरा हो गया, अब इसके अंदर सर्च को लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक आर्टिकल है जो मोंगो डीबी वालों ने लिखा हुआ है उस आर्टिकल में जाना पड़ेगा। ये है वो आर्टिकल, एक्सप्लोर द ट्यूटोरियल का बटन दबाऊंगा मैं तो ये आर्टिकल मेरे सामने आ जाता है, ठीक है जी। ठीक है, अब ये व्हाट इज वेक्टर सर्च वगैरह की थ्योरी लिखी हुई है उन्होंने, अच्छी बात ये कि आप इसको पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे ये वर्बली मैं आपको मोर और लेस थोड़ी बहुत बात बता चुका हूँ, हाँ जाहिर है इसके अंदर कुछ इन्होंने डिटेल गुफ्तगू की होगी जो आप पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, तो इसको ज़रूर सब लोग पढ़ें, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट्स वगैरह कुछ जिक्र हो गया यहाँ पे जी, और बेनिफिट्स ऑफ वेक्टर सर्च विथ मोंगो डीबी, कि मोंगो डीबी के अंदर इसको क्या बेनिफिट मिलेगा, इन जनरल बेनिफिट ये बता दिए और मोंगो डीबी के अंदर के बेनिफिट ये बता दिए, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है कि सेटअप मोंगो डीबी एटलस क्लस्टर, क्लस्टर क्या चीज़ है, जो डेटाबेस हम बनाते हैं वो दैट इज़ कॉल्ड क्लस्टर, ठीक है। तो हम ज़रा मोंगो डी बी डॉट कॉम पर हम चले जाते हैं ना, मोंगो डी बी डॉट कॉम पर, और यहाँ पर साइन इन कर लेते हैं, ठीक है। अबे यार ये साइन आउट कैसे हो गया, अभी तो मैं साइन इन था, अच्छा साइन इन हूँ मैं, ठीक है गुड। अच्छा जी, तो ये मेरा क्लस्टर इसको कह रही है, ठीक है। जब हम यहाँ पे आते हैं और एक क्लस्टर हम क्रिएट करते हैं, क्लस्टर किसको कहते हैं, गुच्छे को कहते हैं, इस क्लस्टर के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं, तो जो मैं कनेक्ट का बटन दबाता हूँ और जो मैं यूआरएल ये यहाँ से पकड़ता हूँ और इसको कनेक्ट करता हूँ, ये असल में मेरे क्लस्टर का यूआरएल है, और मेरे क्लस्टर का नाम क्या है, क्लस्टर 0 मेरे क्लस्टर का नाम है, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं आपको डिलीट करके दोबारा बना के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन हम ये कई दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है। एक नया क्लस्टर यहाँ पे बनाते हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं जी आप क्रिएट अकाउंट करें, बिल्ड न्यू क्लस्टर का बटन दबाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रिएट योर कलेक्शन कलेक्शन करें आप, ठीक है। हम क्रिएट कलेक्शन कैसे करते हैं, हम कोड से जैसे ही उसको कोड में हम आते हैं और कोड में आगे हम बोलते हैं कि डीबी डॉट क्लाइंट, ये डेटाबेस का नाम बताते हैं, यानी जिस क्लस्टर से हम कनेक्टेड हैं उसमें ये नया डेटाबेस बन रहा है, और उसके बाद हम कहते हैं कि जी डीबी डॉट कलेक्शन और कलेक्शन का नाम बताते हैं तो ये कलेक्शन क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जी मैंने कलेक्शन क्या कर दी, क्रिएट कर दी वहाँ पर। अगला काम, अब बहुत ही ये स्टेप बाय स्टेप तरीके से उसको लेके चल रहा है, कह रहा है कि जी सेट अप अ ट्रिगर, एटलस ट्रिगर। अच्छा, अब ये ट्रिगर क्या बोला है, ट्रिगर का काम ये है कि देखें, आ जाते हैं वापस ये पोस्ट वाले पे, जब पाइन कोन के अंदर हम ये वाला काम करते थे, इसमें डेटा को ऐसे इंसर्ट कर रहे होते थे, तो उसके अंदर मुझे ज़रूरी होता था कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, वेक्टर जो है ना बना के उसको, और ऐसे मतलब 1536 इंडेक्स का जो है ना यहाँ पे ये जो मैंने डेटा दिया है उसके साथ साथ ये मैं वेक्टर भी उसको उसी वक्त दूँ मैं, ये मेरे लिए पाइन कोन में ज़रूरी है, इसके बगैर वो चल ही नहीं सकता, ठीक है। मोंगो डीबी में ऑन अदर हैंड ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे दें, अच्छा चाहूँ तो मैं दे भी सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे मतलब API कॉल लगाऊँ, क्रिएट वैक्टर, किसी भी चीज़ का वैक्टर बनाऊँ मैं यहाँ पर,
ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली मैं टाइटल और टेक्स्ट का ही इसी को जोड़ के कॉन्कैटिनेट करके बनाऊंगा। तो मैं किसी भी चीज़ का वेक्टर यहाँ पे बनाऊँ और यहाँ पे मैं वो वेक्टर पास कर दूँ, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं करूँगा नहीं। क्यों नहीं करूँगा मैं? इसका एक डाउन साइड है जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस भी किया था जब पाइन कॉन पढ़ रहे थे। उसका डाउन साइड ये है कि जब मेरी API हिट होती है, ये API हिट होती है मेरी, तो इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है मुझे अच्छे से अच्छा रखना होता है। रिस्पॉन्स टाइम अच्छा रखने का मतलब है कि जितनी जल्दी हो सके मैं इसका रिस्पॉन्स वापस यूज़र को भेजूँ, ठीक है। 200 मिलीसेकंड जो है दैट इज़ अ ऑप्टिमम रिस्पॉन्स टाइम, कि जी 200 मिलीसेकंड में अगर रिस्पॉन्स कर रही है मेरी API तो दैट इज़ ऑप्टिमम रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। आइडियल ये आइडियल तो होना चाहिए 1 मिलीसेकंड, 1 ms, वो आइडियल है, ठीक है। जो कि आइडियल हर वक्त पॉसिबल नहीं होता उसको अचीव कर लेना, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो 200 मिलीसेकंड जो है ना उसको ऑप्टिमम कंसिडर किया जाता है इस वक्त 2023 के अंदर। तो अच्छा, अगर वो 500-600 मिलीसेकंड भी चला जाए तो भी कोई बहुत ज़्यादा उसको बुरा नहीं समझते, हाँ। लेकिन अगर वो 1 सेकंड से अगर वो क्रॉस करने लग जाता है ना तो दैट इज़ फेटल, ठीक है, दैट इज़ क्रिटिकल, दैट इज़ लीथल। कि अगर 1 सेकंड से ज़्यादा आपकी एक API हिट, और ख़ासतौर पर इस तरह की API कि जी जस्ट पोस्ट करती है और वापस आती है, इतना सिंपल सा काम है, और अगर वो 1 सेकंड से वो एक्सीड करती है तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन प्रोडक्शन। क्योंकि प्रोडक्शन में ये 1 सेकंड जो है ना, यानी यूज़र जो क्लिक करता है और वो 1 सेकंड उसको वेट करना पड़े, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि जब एक एक API इस तरह टाइम ले रही होगी तो आपके एक एक क्लिक पे कितनी कितनी API पीछे कॉल हो रही होती है ना, तो दैट वुड बी अ डिज़ास्टर ना, कि अगर बंदा हज़ारों लोग आपके पास आ रहे हैं और हज़ारों लोगों का आपने आधा आधा सेकंड आपने ज़ाया कर दिया, तो यू हैव वेस्टेड मैनी आवर्स, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए लोगों का टाइम बचाने के लिए हम इसको अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स टाइम हमारी कोशिश होती है कि हम करें। अच्छा, अब पाइन कॉन वाले सेटअप में ये होता है कि जी मेरे पास ये वैलिडेशन वगैरह, अच्छा ये वैलिडेशन वगैरह में ना कुछ टाइम नहीं लगता, ये वैलिडेशन में कुछ भी टाइम नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये है स्केलेबल, ये जो ये वाला जो काम है ना, ये वाला इफ एल्स वाला काम जो है, ये है स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब ये कि जितना अच्छा प्रोसेसर होगा ये उतनी जल्दी होगा, प्रोसेसर बढ़ाऊंगा ये और तेज़ होगा। स्केलेबिलिटी पता है ना सब लोगों को, स्केलेबिलिटी सब लोगों को पता है यहाँ पे क्या होती है? कोई एक बंदा खड़ा होकर बता दे व्हाट डज इट मीन बाय स्केलेबिलिटी, या स्केलेबल एप्स अक्सर सुनते रहते हैं ना। हाँ भाई, हमने डिस्कस किया था मैंने शायद यहाँ पे, मुझे याद पड़ रहा है, जिसका आउटपुट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बताओ कोई, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, ये भी बात डिस्कस हुई होगी जब स्केलेबिलिटी की बात निकली है, तो ये सारी बात हुई होगी, हुई थी क्लास में, नहीं हुई है, चलो बता देता हूँ। देखो स्केलेबिलिटी क्या होती है कि ये एक API हिट हुई, अच्छा ये API की बात नहीं है, किसी भी फंक्शन की बात है। एक फंक्शन है समझ लो, एक फंक्शन है, उसके इनपुट में मैं 2 पैरामीटर लेता हूँ, A और B, 2 पैरामीटर लेता हूँ। अच्छा, और वो फंक्शन क्या करता है, उन दोनों को प्लस करके रिटर्न कर देता है, दोनों को प्लस करता है और रिटर्न कर देता है, दैट्स इट। तो ये फंक्शन क्या है, ये इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं प्योर फंक्शन, ठीक है। ये हमने रिएक्ट जब शुरू की थी तो उस वक्त हमने डिस्कस किया होगा कि जी फंक्शन की प्योरिटी का क्या सीन होता है। फंक्शन, प्योर फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो अपने पैरामीटर पर डिपेंडेंट होता है, वो किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है, किसी आउटसाइड वेरिएबल पे वो डिपेंडेंट नहीं होता। तो ये एक मेरे पास जो फंक्शन है ना, ये एक प्योर फंक्शन है, ये अपने टोटली अपने इनपुट के ऊपर ये बेस कर रहा होता है इसका आउटपुट। मिसाल के तौर पे मैं जितनी दफ़ा भी इसको, जो 2 पैरामीटर है ना उसके अंदर 2.3 दूंगा मैं जितनी दफ़ा भी, तो मुझे ये 5 रिटर्न करेगा, क्योंकि 2.3 तो प्लस करूँगा तो 5 होगा। तो मैं जितनी दफ़ा भी सेम इसको इनपुट दूँ ना, ये मुझे सेम आउटपुट ही देगा हर दफ़ा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने वो सेम इनपुट दिया और 2000 दफ़ा मैंने कॉल किया तो किसी एक दफ़ा में आंसर अलग आ गया, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड प्योर फंक्शन। अच्छा, अब ये जो फंक्शन की जो प्योरिटी है ना, ये अभी जब प्योरिटी ऑफ फंक्शन, बहरहाल वैसे थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक है, ये कब हर्ट होगी, ये जब हर्ट होगी कि मैं उसके अंदर ना उस दोनों वेरिएबल के अलावा किसी तीसरी चीज़ के साथ वो करा दूँ, किसी तीसरे वेरिएबल के साथ भी प्लस करा दूँ। मिसाल के तौर पर मैंने इस वक्त जो टाइम हो रहा है घड़ी में, उसमें मिनट का जो नंबर है उससे मैं मल्टीप्लाई मारूँ, तो फिर वो अपने पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, फिर वो थर्ड वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो जाएगा। फिर मैं जितनी दफ़ा भी सेम वेरिएबल दूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे जवाब सही मिले। मिसाल के तौर पर घड़ी में इस वक्त जो टाइम हो रहा है उसका मैंने मिनट वाला नंबर उठाया अगर, तो जो मिनट इस वक्त है, इस मिनट के अंदर मैं जितनी दफ़ा भी रिक्वेस्ट दूंगा सेम आंसर आएगा, लेकिन जैसे ही मिनट चेंज होगा मेरा आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है प्योरिटी ऑफ फंक्शन। तो हम
बहुत सारी जगहों पे आप ऐसा देखेंगे लिखा होता है यार यहाँ पे प्योर फंक्शन चाहिए हमें, ठीक है, फंक्शन की प्योरिटी चाहिए। अच्छा, तो प्योर फंक्शन जहाँ जहाँ पे भी मांगा जाता है, प्योर फंक्शन जहाँ जहाँ पे भी मांगा जाता है वहाँ पे मेनली उसका जो रीज़न होता है वो स्केलेबिलिटी होता है। अच्छा, अब स्केलेबिलिटी ज़रा समझ लो क्या है। स्केलेबिलिटी ये है कि एक फंक्शन है मेरे पास, एक फंक्शन है मेरे पास, वो चलता है जब, तो उसके अंदर दो वेरिएबल को प्लस किया हुआ और रिटर्न किया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब दो वेरिएबल को प्लस करने में कितने सीपीयू साइकिल लगते हैं, किसी को पता है ये बात? दो नंबर जब हम प्लस करते हैं तो कितने सीपीयू साइकिल लगते हैं? एक नहीं लगता है। इन थ्योरी जो है एक दो तीन चार सीपीयू साइकिल लगते हैं, ठीक है, इन थ्योरी। वैसे तो एक्चुअल में जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम ये चीज़ वेरी करेगी, ठीक है। जैसे हमने वो रैम वाला पढ़ा था ना कि हाउ वैल्यू गेट सेव्ड इन रैम मेमोरी, तो वो सारा हमने इन थ्योरी बात पढ़ी थी। एक्चुअल में तो जाहिर है थोड़ा थोड़ा वो अभी आपको पता है एडवांसमेंट आती रहती है और वो थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते करते वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है कहानी। तो इन थ्योरी जो है चार सीपीयू साइकिल लगते हैं दो वेरिएबल को जब हम प्लस करते हैं तो, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करता है, रैम से उठा के एक को लाता है रजिस्टर में रखता है पहली वैल्यू को, ठीक है, फिर एक दूसरी वैल्यू को उठाता है रैम से और लाके दूसरे रजिस्टर में रखता है, ये दो साइकिल हो गए। तीसरे साइकिल में उन दोनों को वो प्लस मारता है और चौथे साइकिल में, यानी तीसरे साइकिल में प्लस मार के ना एक तीसरे रजिस्टर में रखता है। प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स करके एक चीज़ होती है जो x86 का आर्किटेक्चर, उसकी बात, अब तो खैर वो आर्किटेक्चर भी ख़त्म हो गया, अब तो आर्म आ गया, अब तो आर्म पे चल रहा है सारा। तो तीसरे साइकिल में वो क्या करता है, दोनों को प्लस करके तीसरे रजिस्टर में रखता है और चौथे साइकिल में उसको उठा के वापस रैम के हवाले कर देता है। तो ये चार साइकिल लगते हैं दो नंबर को प्लस करने में इन थ्योरी। इन प्रैक्टिकली शायद अब ज़्यादा साइकिल लगते हो और मज़ीद में भी, ये हो सकता है रिड्यूस किया हो कम किया हो। तो अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन दो वेरिएबल लेता है, दोनों को प्लस करता है और रिटर्न करता है, दोनों को प्लस करता है और रिटर्न करता है। अच्छा, अब मेरे पास जो सीपीयू था जिसके ऊपर वो एग्जीक्यूट हो रहा था उसकी मिसाल के तौर पे जो स्पीड है वो क्या है, वो 4 हर्ट्ज़ है। 4 हर्ट्ज़ का मतलब क्या है, 4 हर्ट्ज़ का मतलब क्या है? वैसे 4 हर्ट्ज़ का सीपीयू एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, वो गीगा हर्ट्ज़ के ही, अब तो गीगा हर्ट्ज़ से कम के सीपीयू नहीं मिलते हैं, ठीक है, गीगा हर्ट्ज़ से कम के सीपीयू अब नहीं मिलते हैं, ठीक है, 2.5 गीगा 3 गीगा इस तरह के सीपीयू होते हैं, ठीक है। इवन मेगा हर्ट्ज के भी ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ गीगा हर्ट्ज के ही मिलते हैं या और आगे उससे और आगे होंगे, उसके नीचे के ख़त्म हो गए। तो गीगा हर्ट्ज का मतलब क्या है, वो असल में हर्ट्ज कहते हैं साइकिल को कि सीपीयू कितनी दफ़ा साइकिल ले रहा है एक सेकंड में। तो उसको अगर 1 हर्ट्ज है ना तो उसका मतलब है कि वो एक सेकंड में एक साइकिल लेता है, इसका मतलब है 1 हर्ट्ज, ठीक है। 4 हर्ट्ज का मेरा सीपीयू है मिसाल के तौर पर, तो एक सेकंड में वो 4 साइकिल घूमता है वो सीपीयू। तो मेरा ये दो वेरिएबल प्लस होने वाला फंक्शन कितनी देर में चलेगा, एक सेकंड में चलेगा, क्योंकि एक सेकंड में वो 4 साइकिल घूमता है, फंक्शन कॉल होगा, दो वेरिएबल प्लस होगा और रिटर्न हो जाएगा, तो पूरे एक सेकंड में ये फंक्शन चलेगा। अच्छा, अब मुझे अगर इस फंक्शन को चलाना है और तेज़ और जल्दी चलाना है तो मैं सीपीयू अपना इंक्रीज कर दूँ अगर तो जल्दी चलेगा ये। मैंने बोला सीपीयू अब मेरा 4 की जगह 8 साइकिल वाला है, 8 हर्ट्ज़ वाला है, 8 हर्ट्ज़ वाला सीपीयू मैंने लगा दिया, समहाउ उसको अपग्रेड कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब ये जो मेरा प्रोसेसिंग है, क्योंकि ये एक सेकंड में 8 साइकिल लेता है और मेरा फंक्शन 4 साइकिल में ही पूरा हो जाता है तो आधे सेकंड में चलेगा। अब जैसे जैसे मैं सीपीयू बढ़ाता जाऊंगा मेरे इस फंक्शन के चलने की जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो रिसोर्सेज को जब मैं बढ़ाता हूँ तो मेरा कोड जो है उसके साथ साथ तेज़ होता चला जाता है। तो इस तरह का जो कोड होता है इसको हम कहते हैं कि ये कोड क्या है, ये स्केलेबल कोड है। इस तरह का जो कोड होता है या इस तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है इसको हम कहते हैं ये स्केलेबल सॉफ्टवेयर है, कि जितना हम प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाएंगे, अच्छा सिर्फ प्रोसेसिंग पावर की बात नहीं है, रैम हार्ड ड्राइव ये पूरी ओवरऑल पैकेज होता है ना, कि रैम बढ़ाऊंगा मैं तो साथ साथ परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं स्केलेबल सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अब जितने भी फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं ना, जो वेब डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क हैं, जो सर्वर के फ्रेमवर्क हैं, जो डेटाबेस के जो फ्रेमवर्क्स हैं, उनको बाय डिफ़ॉल्ट ना उसको स्केलेबल रखा जाता है। यानी उस फ्रेमवर्क बनाने वाले के जहन में ये बात होती है कि इसको मैंने स्केलेबिलिटी पे पूरी तवज्जो रखनी है, स्केलेबिलिटी हर्ट नहीं होनी चाहिए इसकी। अच्छा, अब सोचो तुम कि अब वही फंक्शन है, वही फंक्शन है जिसमें दो इनपुट मिलता था और दो इनपुट मिलने के बाद उसको प्लस करता था वो, और प्लस करके रिटर्न करने के दरमियान में ना वो उसमें एक लगा हुआ था सेट टाइम आउट, यानी कि वेट लगा हुआ था,
उसमें वेट टाइम बीच में मेंशन हुआ था कि इतनी देर आपने वेट करना है, सेट टाइम आउट, या कोई एपीआई कॉल लगी हुई थी, जो एपीआई कॉल का रिस्पांस आता है 200 मिली सेकेंड में, रिस्पांस आता है 200 मिली सेकेंड में, एक एपीआई कॉल लगी हुई थी उसके बीच में, अब वो जवाब आता है उसका जैसे ही, तो फिर रिटर्न होता है वो। तो अब ये मेरा जो कोड है ना, ये स्केलेबल नहीं रहा, अब जो मेरा कोड है ये, अब ये स्केलेबल नहीं रहा, ठीक है। स्केल, अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि स्केलेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, ऐसा भी नहीं हुआ है, लेकिन स्केलेबिलिटी कहीं ना कहीं इसकी हर्ट हुई है। स्केलेबिलिटी क्या हुई इसकी, हर्ट हुई है कहीं ना कहीं। अब मिसाल के तौर पे होगा क्या, अब मैं प्रोसेसिंग पावर मेरी 4 साइकिल वाले से 8 साइकिल पे जब मैं करूँगा ना, तो वो जो 1 सेकंड में चलने वाला फंक्शन था वो रिड्यूस तो होगा टाइम उसका, लेकिन अंदर जो टाइम लगा हुआ है वो नहीं कम कर सकते आप। अंदर अगर मैंने हार्ड कोडेड ये बात कर दी है कि इसको प्लस करने के बाद एक पूरे 1 सेकंड तक इंतज़ार करो, फिर रिटर्न करो, अब आप जितना मर्जी दुनिया का तेज़ सीपीयू लगा दें, वो 1 सेकंड से कम फंक्शन को आप नहीं ला सकते, वो 1 सेकंड लेगा, वो फंक्शन लाजमी लेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि क्या हम अपने फंक्शन में, अपने कोड में एपीआई कॉल करना छोड़ दें, क्या इसका ये मतलब है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम अननेसेसरी एपीआई कॉल्स या अननेसेसरी ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारी स्केलेबिलिटी हर्ट हो। अब जितना मर्जी अच्छा कंप्यूटर आ जाए मेरे पास, भाई मैंने जो इस पूरे सर्वर को मैं गूगल क्लाउड पर डिप्लॉय करूँगा ना, जब गूगल क्लाउड पर डिप्लॉय करता हूँ तो वहाँ पे कंप्यूटर के ग्रेड हैं अलग अलग, अलग अलग तरह के प्रोसेसर वाले कंप्यूटर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। फ्री में तो खैर एक ही होता है, जो आप लोगों ने इस्तेमाल किया अभी वो एक ही होता है, फ्री में शेयर्ड प्रोसेसर होता है उसमें, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छे और बहुत हाई हैवी ड्यूटी कंप्यूटर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो मैं इस सर्वर को उठा के जितने मर्जी हैवी ड्यूटी पर रख दूँ ना, इस वाले जो एपीआई का जो रिस्पॉन्स है उसको मैं 200 मिलीसेकंड पर ला ही नहीं सकता। अगर मैंने 2-3 अंदर एपीआई कॉल मारी भी है ना, अगर और वो दोनों तीनों एपीआई कॉल 200, 300, 400 मिलीसेकंड का टाइम लेता है, तो बस मेरी एपीआई फिर 1 सेकंड से कभी भी नीचे नहीं आएगी, मैं जिधर मर्जी डिप्लॉय करूँगा। तो इससे मेरी स्केलेबिलिटी क्या होगी, हर्ट होगी। तो बेहतर ये है कि मैं इसको जब डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करता हूँ तो उस वक्त मैं ऐसा कुछ भी ना करूँ, यानी पहले उसके कोई ऐसी एपीआई कॉल ना लगाऊं जिससे मेरी एपीआई स्लो हो जाए। मैं बस उसको डेटाबेस में इंसर्ट मारता हूँ और चला जाता हूँ। मैं डेटाबेस में क्या करता हूँ, जस्ट इंसर्ट मारता हूँ पूरे डेटा को और मैं चला जाता हूँ, मेरा एपीआई रिस्पॉन्ड कर जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है, मोंगोडीबी के अंदर मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, ये तकरीबन सारे डेटाबेसेस में ये ऑप्शन होता है, ट्रिगर का, डेटाबेस ट्रिगर, ठीक है। ये मतलब समझ लो रीसेंट डेवलपमेंट है, यानी आप समझ लो कि पिछले 6-7 सालों में, 8 सालों में ये डेवलपमेंट हुई है कि जितने भी आप डेटाबेसेस होते हैं ना, वो आपको ट्रिगर प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से। मतलब रीज़न ये नहीं है कि ये तो पाइन कोन का रीज़न नहीं है, ये डिफरेंट और भी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ट्रिगर देते हैं डेटाबेस का। अच्छा, डेटाबेस ट्रिगर क्या होता है कि जैसे ही आपके डेटाबेस में कोई एक्टिविटी होती है तो आपको जो है ना एक छोटा सा फंक्शन आपको वो दे देते हैं बना के कि यार ये फंक्शन चलेगा, है ना, फला एक्टिविटी होगी तो ये फंक्शन चलेगा, फला इवेंट अकर होगा आपके डेटाबेस के अंदर तो ये फंक्शन चलेगा, और इस फंक्शन के अंदर आप कोई काम करवा दो। अच्छा, हमारे केस में इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद, हमारे केस में हम क्या करते हैं, हम पोस्ट कर देते हैं डेटा को अपने डेटाबेस में और हम जाके मोंगोडीबी एटलस के ऊपर, मोंगोडीबी हमें वो ट्रिगर प्रोवाइड करता है, वहाँ पे जाके हम एक ट्रिगर बनाते हैं, उसके अंदर हम ये बात लिखते हैं कि जब भी नया डेटा मेरे डेटाबेस में इंसर्ट हो, फला डेटाबेस में और फला कलेक्शन में, मैं दोनों नाम बताना पड़ता है क्योंकि वो तो क्लस्टर है ना पूरा, उसके अंदर तो मल्टीपल डेटाबेसेस हैं और हर डेटाबेस में मल्टीपल कलेक्शंस हैं, तो मैं अपने डेटाबेस का और अपने कलेक्शन का मैं नाम बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी मेरे इस डेटाबेस के अंदर और इस कलेक्शन के अंदर, यानी मेरा डेटाबेस का नाम है क्रड और उसके अंदर कलेक्शन है पोस्ट, मैं कहता हूँ इसके अंदर जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट ऐड हो तो आपने ये ट्रिगर, ये फंक्शन चलाना है। अच्छा, उस फंक्शन के अंदर अब मुझे क्या मिलता है, उस फंक्शन के अंदर जो अभी अभी इंसर्ट हुआ है ना डेटा, जिसकी वजह से वो चला है फंक्शन, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मुझे वहाँ पे मिलता है, ठीक है। अच्छा, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, उस ऑब्जेक्ट में कोई मॉडिफिकेशन करके उसको वापस सेव करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस फंक्शन के अंदर जब वो ट्रिगर मुझे मिलेगा, नया डेटा इंसर्ट होने पे जब वो ट्रिगर मुझे मिलेगा, तो उस पे जाहिर है अभी भी जो पोस्ट बंदे ने लिखी है वो पूरी पोस्ट का ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, मैं वहाँ से उसका टेक्स्ट उठाऊंगा और वहाँ से उसका टाइटल उठाऊंगा और उसको क्या करूँगा, ओपन एआई पे भेज के वेक्टर बनवाऊंगा, और वेक्टर में कहाँ पे रखवा दूंगा, इस जगह पे मैं वेक्टर रखवा दूंगा इसका, यहाँ से नहीं रखवा रहा हूँ, रीज़न आपको बता दिया, स्केलेबिलिटी हर्ट होगी अगर मैंने यहाँ से रखवाया, ठीक है, मैं ट्रिगर के जरिए रखवाऊंगा।
अच्छा MongoDB में ये फैसिलिटी मौजूद है, और बहुत अच्छी बात है कि ये है, पाइन कॉन में ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। यही वजह है कि हमने पाइन कॉन को सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि पाइन कॉन मार्केट में उसकी इस वक्त एक 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 डिमांड है, एक नाम है। तो आपके सामने अगर कोई ये सवाल करे कि यार आपको वेक्टर डेटाबेस आता है या आपको पाइन कॉन आता है, तो आपकी हवा ना निकल जाए, ठीक है। आप बोलेंगे जी हाँ मुझे आता है, और उससे एक बेहतर आइटम है वो भी आता है मुझे। तो इसलिए हमने पाइन कॉन का ज़रा ओवरव्यू लेके और हम वापस MongoDB के ऊपर आ गए हैं, वही सेम काम करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें नोट करें, एक और भी बेनिफिट हो गया है यहाँ पे मेरा, एक और भी बेनिफिट ये हो गया है, बहुत गौर से आप समझेंगे तो ये बात आपको समझ आएगी, बहुत गौर से समझना पड़ेगा। पाइन कॉन के अंदर आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ एक ही वेक्टर रख सकते हैं, क्योंकि मेनली तो वो वेक्टर है ना, वो असल तो वो वेक्टर रखवा रहे होते हैं आप, एक वेक्टर होता है एक डॉक्यूमेंट उसका, और एक्चुअल डेटा वो मेटा डेटा में होता है। लेकिन यहाँ पे केस कुछ और है, यहाँ पे आप एक की जगह यहाँ पे दो तीन चार वेक्टर भी रखवा सकते हैं, है ना। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने बोला कि यार जो टाइटल का वेक्टर है वो ये इधर आ गया, ये रहा। मैंने टाइटल का अलग वेक्टर बनाया, टेक्स्ट का अलग वेक्टर बनाया, मिसाल के तौर पे, ठीक है, टेक्स्ट का अलग वेक्टर बनाया मैंने, और दोनों को मिला के एक तीसरा, मैंने कहा बोथ वेक्टर, दोनों को मिला के एक तीसरा वेक्टर बना दिया मैंने, तो मैं तीन वेक्टर भी रखवा सकता हूँ इसके अंदर। अच्छा, सर्च करते वक्त मैं ये बताऊँगा कि कौन से वाले पे सर्च करना है। मिसाल के तौर पे मैंने जो सर्च लगाया है, मैं चाहता हूँ सिर्फ टाइटल पे सर्च हो, सम मतलब मे बी मेरा जो सर्च, जैसे ये सर्च बार लगा हुआ है, अब सर्च बार के अंदर ना मे बी मेरे पास सेलेक्टर हो कि जी सिर्फ टाइटल पे सर्च करना है, या टाइटल और टेक्स्ट दोनों पे करना है, या सिर्फ टेक्स्ट पे करना है, मे बी इस तरह का मेरे पास कोई फिल्टर हो। तो उस सूरत में मैं क्या करूँगा, जो बंदे ने जो भी चूज़ किया है उस बिहाफ पे मैं इन तीनों में से किसी एक पे सर्च मार पाऊंगा, तीनों पे सर्च नहीं मतलब तीनों में से किसी एक पे भी मार सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जस्ट मैंने एक पॉसिबिलिटी बताई है, मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह का काम करेंगे नहीं हम रियलिटी में, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बताने का मकसद ये कि आप देखें एक नया दरवाज़ा भी खुल गया है, यहाँ पर एक नया दरवाज़ा आपके पास यहाँ पर खुल गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, इसमें देखो एक और भी हो सकता है काम कि यार मतलब एक तो मैंने तीनों का अलग अलग ना, अभी तीनों नहीं बोथ वेक्टर ही रखा मैंने, मैंने कहा भाई दोनों को मिला के ही बनेगा वेक्टर, लेकिन मैंने एक बनवा लिया ओपन एआई से, एक बनवा लिया मैंने हगिंग फेस वालों से, वेक्टर बनाने के तो बहुत सारे एल्गोरिथम है ना, मैंने एक ओपन एआई से बनवा लिया, एक हगिंग फेस से बनवा लिया, एक मैंने किसी और से तीसरे से बनवा लिया, तो तीन चार अलग अलग वैक्टर के एल्गोरिथम भी मैं इसमें अपने पास यूटिलाइज कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन MongoDB में मौजूद है। वेल, तो अभी हमारे पास जो क्या होगा, यहाँ पे हम कोई भी वेक्टर नहीं डाल रहे होंगे, और अब हमने जाके वो ट्रिगर बनाना सीखना है कि जी वो ट्रिगर कैसे बनेगा। वो ट्रिगर बनाते हैं, और उस ट्रिगर के अंदर जो है उस ट्रिगर के अंदर जो है ना, वो हम कोड लिखते हैं, पूरा फंक्शन का कोड लिखते हैं, जिसके जरिए मैंने क्या करना है, जिसके जरिए जो है मैंने वो करना है। तो आ जाते हैं जी इस आर्टिकल में वापस। इस आर्टिकल में कह रहा है कि जी आप ट्रिगर सेट करें, और ट्रिगर सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे यहाँ ट्रिगर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और ट्रिगर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड न्यू ट्रिगर करके यहाँ पे बटन होगा, वो आप दबाएंगे। अच्छा, जिस तरह इन्होंने यहाँ पे बताया इस आर्टिकल में, ज़रा एक्चुअल UI ना थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है, कोई मसला नहीं है, देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ना पहले कुछ चीज़ें डिलीट करनी पड़ेंगी इसकी, राइट, कुछ चीज़ें मैं ज़रा डिलीट कर दूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने वो पहले से थोड़ा सा बनाया हुआ है इसमें, तो उसको अगर मैं डिलीट नहीं करूँगा तो आपको फील नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ये एक ऐप बनी हुई है यहाँ पे, इसको मैं डिलीट मारता हूँ इस ऐप को, ठीक है, ऐप डिलीट हो गई। अब ये ऐप क्या चीज़ है ये हम देखते हैं। असल में जो ट्रिगर है ना, वो ट्रिगर एक फंक्शन है, जस्ट लाइक अ नेटलीफाई फंक्शन, जस्ट लाइक अ फायरबेस फंक्शन, जस्ट लाइक अ क्लाउड फंक्शन, वो एक छोटा सा फंक्शन है। तो वो एक्चुअली वो फंक्शन जो है वो असल तो सर्वर होता है, वो फंक्शन जो फंक्शन होता है ना असल में वो छोटा सा एक सर्वर होता है। तो वो सर्वर जो है वो एक्चुअली वो डेटाबेस का पार्ट नहीं है, वो सर्वर जो है वो क्या है, वो डेटाबेस का पार्ट नहीं है। तो एटलस के ऊपर जब आके हम ट्रिगर बनाते हैं ना, तो असल में होता ही है कि एटलस अपने पास एक छोटा सर्वर बना लेता है, तो वही सर्वर जो बना हुआ था उसको मैंने डिलीट मारा है, ठीक है। अच्छा, मैं जाता हूँ जी ट्रिगर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये ट्रिगर्स पे आके मैंने क्लिक किया। अब ट्रिगर पे जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे इस वक्त कोई ट्रिगर मौजूद नहीं है,
सही है, क्योंकि मैंने ऐप ही डिलीट मार दी जिसमें ट्रिगर था, तो यहाँ पे इस वक्त कोई ट्रिगर मौजूद नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट सोर्स करता हूँ, क्लस्टर जीरो मेरा पहले से चेक हुआ हुआ है, और इस पर चेक लगा के मैं गेट स्टार्ट का बटन दबा देता हूँ। गेट स्टार्ट का बटन दबाने से क्या होता है, अच्छा आर्टिकल में देखो एड ट्रिगर यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन मेरे पास एक्चुअल यूआई पे कहाँ आता है, मेरे पास दरमियान में बटन आता है। ठीक है, अब ये मैंने क्या कर दिया, एक ट्रिगर क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट कर दी मैंने। अच्छा, अब ये ट्रिगर मेरे पास ऐड ट्रिगर का ये पूरा फॉर्म खुल गया है कि जी किस तरह का ट्रिगर आपको चाहिए। मैंने कहा डेटाबेस ट्रिगर चाहिए। अच्छा, एक स्केजुअल भी है। स्केजुअल क्या करेगा, स्केजुअल ये नहीं कि नया डेटा ऐड हुआ कोई इस तरह का सीन नहीं है, स्केजुअल एक सर्टेन टाइम के बाद खुद ही चलेगा। अब वो नीचे इसका पूरा ये है, ठीक है, शेड्यूल भी बोलते हैं, स्केजुअल भी बोलते हैं, स्केजुअल दोनों सही प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, दोनों सही प्रोनाउंसिएशन है, अंग्रेज भी आपस में लड़ते हैं ना, एक बोलता है मेरी इंग्लिश सही है, एक बोलता है मेरी इंग्लिश सही है। तो एक बोलता है स्केजुअल, एक बोलता है रेस्टोरेंट सैलॉन, और दूसरा क्या बोलता है, गिव मी अ वाटर, समझ ही नहीं आता क्या बोला, बॉल ऑफ वाटर को क्या बोलेंगे, गिव मी अ वाटर। तो वो बोलते हैं कि यार हम अच्छे हैं, हम सही बोलते हैं। हमने कहा यार चलो ठीक है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन मेरे मुंह पे चढ़ गई मैं उसके साथ हूँ। तो मैंने कहा यार स्केजुअल वाला नहीं, मुझे डेटाबेस वाला चाहिए। अच्छा, डेटाबेस के वाला जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये कहता है यार आपके ट्रिगर का नाम बता दो आप। मैंने कहा ट्रिगर जीरो जो है ना, जो पहले से लिखा हुआ है, यही नाम ठीक है, ठीक है, यही नाम मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये इनेबल इस वक्त इनेबल हुआ हुआ है, ठीक है, इसको मैं डिसेबल भी कर सकता हूँ। ये ट्रिगर तो क्योंकि क्रिएट हो गया ना, हो सकता है किसी वक्त मैं चाहूँ कि यार आज के दिन इसको मैं बंद रखूँ इस ट्रिगर को, मे बी। तो यहाँ पर मेरे पास बंद करने का यहाँ पर हैंडल मौजूद है, ठीक है, इनेबल को मैं आके बंद करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। अच्छा, स्किप इवेंट, अच्छा इसके नीचे जो सारी चीज़ है ना उसको मैं क्या करूँगा, अभी इस वक्त डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ लो। स्किप इवेंट ऑन री इनेबल, कि अगर जब मैं इसको इनेबल डिसेबल मारूँ तो क्या उससे जो इवेंट हो उससे भी ये चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, उसको मैंने डिफ़ॉल्ट पे छोड़ा हुआ अभी। ठीक है, इवेंट ऑर्डरिंग क्या चीज़ है कि जी, अरे इसकी इवेंट ऑर्डरिंग को बाई डिफ़ॉल्ट ऑन होता है ये, ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट ही क्या होता है, ऑन होता है, तो उसको मैं ऑन पे ही छोड़ूंगा। इवेंट ऑर्डरिंग का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास चार डेटा इंसर्ट हुआ, मेरे पास क्या हुआ, चार डेटा इंसर्ट हुआ, तो क्या पहला डेटा जो इंसर्ट हुआ है और यानी उसी ऑर्डर में ये ट्रिगर भी चलना चाहिए ना। ठीक है, तो अगर उस ऑर्डर मेरे केस में, मेरे स्पेसिफिक केस में अगर उस ऑर्डर से कोई फ़र्क पड़ता है और मुझे उसी ऑर्डर में चाहिए वो ट्रिगर, तो फिर मैं इसको ऑन रखूँगा। अच्छा, क्या मेरे स्पेसिफिक केस में इसके ऑर्डर से कोई फ़र्क पड़ता है, मेरे केस में मैं क्या करता हूँ, जब भी एक नया डेटा ऐड होता है उसको उठाता हूँ, उसका वेक्टर बना के वापस उसमें रखवा देता हूँ, तो सीक्वेंस से कोई फ़र्क पड़ता है। मिसाल के तौर पे चार अलग अलग लोगों ने चार पोस्ट की, एक के बाद दिख रहे, एक के बाद एक ने की है, तो क्या ये फ़र्क पड़ता है कि किसी एक का पहले बन जाए एम्बेड, किसी दूसरे का बाद में बन जाए। ठीक है, कोई मेरे ख्याल में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कि थोड़ी देर से या थोड़ी बाद में उसका वेक्टर बनने से मतलब है, सही है, अगर थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए, यानी किसी बंदे ने पोस्ट पहले की थी और उसका वो थोड़ी देर में मिले और किसी ने पहले, जिसने बाद में की थी उसका पहले चल जाए, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। ठीक है, हाँ ओवरऑल चलने से मतलब है, और वो चल ज़रूर जाएगा, मतलब कुछ मिली सेकंड के वक्फे से या कुछ एक दो सेकंड के वक्फे से वो चल ज़रूर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो मतलब एक घंटा नहीं लगाएगा, वो दो चार सेकंड की गेम है, उससे ज़्यादा की नहीं है ये। तो कोई अगर पहले, कोई अगर बाद में चल रहा है तो उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है तो उसको मैं ऑन पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसमें से कोई कॉन्फ़िगरेशन मैंने चेंज नहीं की, जस्ट मैं आपको बताता जा रहा हूँ, चेंज कुछ नहीं कर रहा मैं, ये सब डिफ़ॉल्ट पे छोड़ा हुआ है मैंने। अब कह रहा है कि जी यार कौन सा डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम तो बताओ। तो यहाँ पे क्लस्टर जीरो पहले से यहाँ पे आ रहा है। अब दूसरा भी कोई मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास है ही असल में एक, तो ये मज़ीद मुझे सेलेक्ट करने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो क्लस्टर का नाम बता दिया कि जी इस क्लस्टर पे, उसके बाद यहाँ पे आके दोबारा क्लस्टर का नाम पता नहीं क्यों पूछ रहा है, वेल चलो दोबारा बता दिया हमने, कोई मसला नहीं है। क्लस्टर का नाम बता दिया, इसके बाद डेटाबेस का मैंने नाम बताना है। डेटाबेस का ये मेरे पास दो डेटाबेसेस हैं, तो मेरा क्रड वाला जो है ना अभी जो है वो क्रड वाला है, तो वो मैंने बता दिया। उसके बाद कलेक्शन का नाम बता दिया, पोस्ट कलेक्शन भी अगर मेरे पास एक से ज़्यादा होती तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही कलेक्शन है इस वक्त इस डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अच्छा अब कब कब ये ट्रिगर चलना चाहिए, हाँ मल्टीपल कलेक्शन के लिए नहीं होगा, ये अलग ट्रिगर बनाना पड़ेगा। अच्छा, कब कब ये चलना चाहिए, ऑपरेशन टाइप, मैंने कहा इंसर्ट जब हो ना डेटा तो भी चलाओ, अपडेट पे भी मुझे चलाना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अपडेट पे टाइटल और टेक्स्ट चेंज हो गया, वेक्टर पुराना है, तो मुझे वो भी साथ साथ थोड़ी देर में वो भी अपडेट हो जाए।
अच्छा डिलीट पे मुझे नहीं चलवाना, क्योंकि डिलीट पे तो वो डेटा ही खत्म हो रहा है, तो उसका मैं क्या वेक्टर बनाऊंगा। और रिप्लेस पे भी चलाना है, अपडेट और रिप्लेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना MongoDB के अंदर। अपडेट जब हम किसी चीज़ को करते हैं ना MongoDB में, तो वो उसका रिकॉर्ड रखता है, उसको V1 V2 V3 बना देता है वो, ठीक है। MongoDB में जब आप डेटा गेट करते हैं तो इसके अंदर अंडरस्कोर V1 करके ऐसे आ रहा होता है, पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं किया। मैं अगर तीसरे टैब में एक अगर डेटाबेस को हम करें ना वो, तो यहाँ पे ना इसका एक वर्जन आ रहा होता है। अगर ब्राउज कलेक्शन में मैं जाता हूँ और जाके मैं इसको देखता हूँ अगर, अच्छा अभी तो खैर यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन जब इसको अपडेट करते हैं ना तो यहाँ पे एक V1 करके आ जाता है कि इसका ये V1 है या V2 है, जितनी बार अपडेट करते हैं ना उसको रिकॉर्ड करता है, सही है, तो वो अपडेट होता है। अच्छा रिप्लेस के अंदर ना उस रिकॉर्ड को नहीं रखता, वो पूरा उड़ा देता है, वो पूरा उड़ा के नया लेकर आ जाता है। तो हम मोस्टली क्या कर रहे होते हैं, हम अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम रिप्लेस नहीं मार रहे होते ज़्यादातर। तो मैंने कहा यार इन तीनों पे चला दो भाई, इंसर्ट पे भी, अपडेट पे भी और रिप्लेस पे भी। किसी भी किस्म की चेंजेस मेरे आए हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है, कोई पुरानी पोस्ट अपडेट हुई है तो उसका भी वैक्टर दोबारा बनेगा मेरे हिसाब से। अच्छा फुल डॉक्यूमेंट की आपको चाहिए इस ट्रिगर के अंदर, मैंने कहा जी हाँ फुल डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, फुल डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा तो मैं वैक्टर बनाऊंगा किस चीज़ का। अच्छा फिर डॉक्यूमेंट का प्री इमेज, प्री इमेज क्या चीज़ है, इसको मैं बंद रखूंगा। प्री इमेज ये चीज़ है कि कोई चीज़ अगर डिलीट हुई है तो डिलीट होने से पहले वो कैसी थी, ये वाला। कोई चीज़ अगर अपडेट हुई है तो अपडेट तो अभी हो गई हो, अपडेट होने से पहले वो कैसी थी पोस्ट। तो अगर मैं उसको ऑन रखूंगा तो मुझे दो दो ऑब्जेक्ट करके मिलेगा वो, एक पहले वाला एक बाद वाला, तो मुझे पहले वाले का कुछ काम नहीं है मेरे पास, तो इसको मैं बंद रखूंगा फिलहाल। अच्छा उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाता है मेरे पास फंक्शन। अच्छा इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने ये पूरा फंक्शन मुझे यहाँ पर लिख कर बताया हुआ है कि जी ये पूरा फंक्शन आपने ऐसे करके लिखना है, ठीक है। आर्टिकल में जो फंक्शन है इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि ये फंक्शन का नाम क्या है, ठीक है। इसने बोला भाई ये फंक्शन है, ये तो इसका बॉयलर प्लेट है पहली लाइन तो। अच्छा दूसरे में इसने कहा भाई डॉक्यूमेंट को ऐसे करके गेट कर लो, चेंज, अच्छा चेंज इवेंट देख रहे हो, इवेंट मिलता है आपको यहाँ, इवेंट ये वही वाला इवेंट है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो हमने शुरू में पढ़ा था। जावा स्क्रिप्ट जब ख़त्म की थी हमने तो जावा स्क्रिप्ट के लास्ट कुछ टॉपिक्स थे जिसमें हमने इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था और व्हाट इज़ एन इवेंट को डिस्कस किया था। तो ये इवेंट जितनी भी जगह आएगा ना लिखा हुआ, जो फॉर्म की सबमिशन पे जो इवेंट मिल रहा है, जो यहाँ मिल रहा है, वो एक्चुअली एक ही चीज़ है। तो इस इवेंट के अंदर बाई डिफॉल्ट आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि इस इवेंट से मुतालिक जितनी भी डिटेल है वो सारी इस ऑब्जेक्ट में मुझे मिलेगी। जो जो आप सोच सकते हैं ना इस इवेंट से मुतालिक वो सब आपको इसमें मिलेगा, कि ये इवेंट कितने बजे अगर हुआ, किस कलेक्शन पर अगर हुआ, ठीक है, किस कलेक्शन के अंदर किस डॉक्यूमेंट पे अकर हुआ, वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको इस इवेंट के अंदर मिल रही होंगी, ठीक है। तो ये इवेंट मुझे मिला, इस इवेंट में से मैंने डॉक्यूमेंट पूरा उठा लिया, क्योंकि फुल डॉक्यूमेंट मैंने वैसे भी ओके किया हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पे URL तैयार किया, मैंने कहा भाई ओपन AI की ना एम्बेडिंग में REST API के थ्रू हिट करूँगा। हमने लाइब्रेरी से हिट किया, REST API से भी कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, फ़र्क नहीं है कोई। अच्छा उसके बाद यहाँ पे से ना देखो एनवायरमेंट वेरिएबल्स है, API की उठाई है किसकी, OpenAI की, ठीक है। अच्छा इन्वायरमेंट वेरिएबल अभी तक हमने सेट नहीं किया ज़रा, लेकिन फंक्शन लिख लें फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट कर देंगे, कोई मसला नहीं है, ये हो गया। अच्छा उसके बाद क्या किया, ट्राई के ब्लॉक के अंदर API कॉल मारी है। अच्छा API कॉल मारने के लिए मैं एग्जियोस का इस्तेमाल करता था, लेकिन यहाँ पे ना कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। देखो context.value.get करके ना ये इन्वायरमेंट वेरिएबल गेट करता है, ठीक है। इसी तरह context.http.post करके ये पोस्ट की रिक्वेस्ट भी मार रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्टेक्स्ट करके एक इसके अंदर वेरिएबल मौजूद है जिसमें इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो मोस्ट कॉमन आइटम है ना वो सारे पहले से रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मोस्ट कॉमनली लोग HTTP रिक्वेस्ट करते होंगे इस ट्रिगर में, तो इन्होंने ना context.http करके रख दिया इसके अंदर ही, एग्जियोस को इसके अंदर ही रख दिया इन्होंने जी। ये कॉन्टेक्स्ट इस ट्रिगर का कॉन्टेक्स्ट है, हाँ इस ट्रिगर में ही मिलेगा, ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। जैसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं प्रोसेस, process.env.port उठाते हैं जो, तो वो प्रोसेस क्या है, वो हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया, वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, एक ग्लोबल वो एक मेरे पास वेरिएबल मौजूद होता है, process.env करते हैं तो मुझे वो मिल रहा होता है एनवायरमेंट वेरिएबल। तो ये उसी तरह की एक चीज़ है कॉन्टेक्स्ट। अच्छा लेकिन वो प्रोसेस मुझे कहाँ मिलता है, वो मुझे Node.js की ऐप में मिलता है, वो मुझे नॉर्मल ब्राउजर की जावास्क्रिप्ट में नहीं मिलता, ठीक है। तो वो Node.js स्पेसिफिक है। इसी तरह ये कॉन्टेक्स्ट मुझे कहाँ मिलता है, ये मुझे MongoDB के ट्रिगर में मिलता है। अगर MongoDB का ट्रिगर नहीं है, एक्सप्रेस की नॉर्मल ऐप है, उसमें मुझे ये कॉन्टेक्स्ट के नाम से कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा ये हो गया जी, मैंने एक रिक्वेस्ट मारी HTTP की, उसमें ऑथराइजेशन में API की डाल के भेजा, ठीक है, URL भेजा और मैंने JSON की बॉडी भेजी कि जी मुझे क्या भेजो। मैंने कहा मॉडल का नाम है Adder2 जिससे वैक्टर बनाना है और इनपुट है ये,
अच्छा ये क्या चीज़ है, इन्होंने असल में जो एग्जांपल बनाई है ना उसके अंदर एक मूवी का डेटाबेस है, तो ये मूवी के अंदर प्लॉट पता नहीं किस चीज़ को बोलते हैं, मूवी के अंदर जो प्लॉट कहते हैं वो कहानी को कहते हैं, कि मूवी की कहानी क्या है। हर मूवी जब आप बाय करते हैं मूवी जाके ऑनलाइन या नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, तो एक तो ट्रेलर होता है ना वो तो अलग होता है, एक रिटर्न में भी होता है कि ये मूवी किस पे है, किस चीज़ पे है। तो वो उसमें दो तीन लाइनें लिखी होती हैं कि जी मिसाल के तौर पे 1980s में एक बड़ा अच्छा साइंटिस्ट था निकोला टेस्ला, ठीक है, उसने DC करंट बनाया और उसकी बायोग्राफी है ये, है ना, ये हो सकता है। या प्लॉट ये हो सकता है कि जी मिसाल के तौर पे एलिस वाज अ टीनेज कॉलेज गोइंग गर्ल और वन डे वो उठी तो भाई कोई डिज़ास्टर हो गया और उस डिज़ास्टर पे ये पूरी है। तो ये इस तरह की चीज़ होती है, एक पैराग्राफ होता है उसको हम प्लॉट कहते हैं। तो ये इन्होंने बोला कि यार प्लॉट के नाम से जो है ना, अच्छा ये डॉक क्या चीज़ है, ये डॉक डॉट प्लॉट, ये डॉक वो है जो ऊपर मैंने पूरा डॉक्यूमेंट उठाया है, ये है डॉक, ठीक है, मैंने फुल डॉक्यूमेंट जो उठाया ना ये, तो इस इन्होंने जो इंसर्ट मारा है ना डेटा उसके अंदर इनको डॉट करके एक चीज़ मिलती है क्या, प्लॉट। मेरे केस में क्या मिलेगा, मेरे केस में टाइटल और टेक्स्ट मिलेगा, यहाँ पे दोनों को जोड़ के मैं बना दूंगा, ये बन गया। ये बनने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है। अच्छा अब देखो इसको ये पार्स कैसे किया, इसने ई जेसन डॉट पार्स किया। अब ये ई जेसन भी आई एम नॉट श्योर कि क्या चीज़ है, लेकिन इन्होंने बताया एज इट इज़। मुझे यार इसको इस तरह एज इट इज़ चलाने से क्या होता है, एम्बेडिंग यहाँ पे मिल जाती है, API कॉल के बाद जो रिजल्ट है ना उसका एम्बेडिंग वो मुझे मिल जाती है। और वो अब इस एम्बेडिंग का मैंने क्या करना है, इस एम्बेडिंग को मैंने वापस डेटाबेस में रखवाना है। कैसे रखवाना है, इसने कॉन्टेक्स्ट, अगेन कॉन्टेक्स्ट के अंदर गेट सर्विस, क्लस्टर का नाम, डेटाबेस का नाम और कलेक्शन का नाम, और ऐसे करके मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ पे कलेक्शन तैयार कर ली मैंने। मैंने कहा ये है मेरी कलेक्शन जिसमें मैंने डेटा रखवाना है। अच्छा इसका मतलब ये होगा कि मैं किसी और कलेक्शन में भी रखवा सकता हूँ, है ना, इसका मतलब ये होगा, ज़रूरी नहीं है कि जिसका इवेंट है मैं उसी में रखवाऊँ, मैं किसी भी कलेक्शन का नाम लिखूँगा उसमें रखवा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई अपडेट वन की क्वेरी मारो, और मैंने कहा ये एक नई की इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं, उसका नाम है प्लॉट एम्बेडिंग, प्लॉट एम्बेडिंग, क्योंकि प्लॉट मूवी का प्लॉट और अंडर स्कोर एम्बेडिंग क्योंकि वो एम्बेडिंग फॉर्म है। तो प्लॉट एम्बेडिंग करके वो एम्बेडिंग इसने क्या कर दी, उसमें अपडेट मार दी, उसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर एक नई की ऐड हो गई जिसका नाम क्या था, प्लॉट एम्बेडिंग। और ये होने के बाद उन्होंने बोला भाई कि यार सक्सेसफुली अपडेटेड, दैट्स इट, ठीक है, इतना सिंपल काम इन्होंने किया था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे के पूरे फंक्शन को यहाँ से कॉपी करके ले आता हूँ, ठीक है, इस पूरे के पूरे फंक्शन को मैंने कॉपी कर दिया और मैं अपने ट्रिगर में जाता हूँ और ट्रिगर में जाके इस पूरे के पूरे फंक्शन को मैं पेस्ट करता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मुझे जो चीज़ें चेंज करनी है वो क्या है इसके अंदर, मुझे जो चीज़ें चेंज करनी, सबसे पहले तो OpenAI जिस नाम से मैं स्टोर करवा रहा हूँ वो नाम मैंने चेंज करना है, क्योंकि मैं इसको किस नाम से स्टोर करवाने वाला हूँ, मैं इसको इस नाम से स्टोर करवाने वाला हूँ, OpenAI API की इस नाम से स्टोर करवाऊँगा मैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया इसको, ठीक है, मैंने कहा इस नाम से ये एनवायरनमेंट वेरिएबल में मिला करेगा, बाकी का पूरा कोड जो वो एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा और नीचे आ जाओ, छोटी मोटी एक चेंजिंग और भी है इसके अंदर, छोटी मोटी एक चेंजिंग और ये है कि डॉक डॉट प्लॉट जो है ना मेरा, वो मेरे केस में डॉक डॉट प्लॉट नहीं है, मेरे केस में है डॉक डॉट टेक्स्ट और डॉक डॉट बॉडी, सही है, इन दोनों को मैं कॉन्कैडिनेट करके इसका वेक्टर तैयार कराता हूँ, राइट, ऐसे ही करते थे हम उसमें भी, जब पाइन कोन के लिए हम जो वेक्टर बनवाते थे तो इसी तरह बनवाते थे, टाइटल है, टेक्स्ट और टाइटल है, टाइटल और टेक्स्ट, ठीक है, एक दफ़ा ज़रा इसमें झांकी भी मार लेते हैं, हाँ टाइटल और टेक्स्ट है, ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त, सही, गुड। अच्छा जी, तो टाइटल और टेक्स्ट को मैंने कॉन्कैडिनेट करके ये लगवा दिया। उसके बाद मेरे पास जब एम्बेडिंग आ जाती है मेरे पास, तो मुझसे ही कह रहा है कि अब क्लस्टर में मैंने वापस रखवाना है, तो मैंने मुझसे तीनों नाम पूछ रहा है, मैंने कहा भाई क्लस्टर ज़ीरो, ठीक है, क्लस्टर ज़ीरो ये मेरे क्लस्टर का नाम है, मेरे डेटाबेस का क्या नाम है, करट DB नाम है, CRUD है ना, CRUD DB, सही है, करट DB मेरा ये डेटाबेस का नाम है मेरे, और मेरे कलेक्शन का नाम जो है वो पोस्ट से, ठीक है। एक दफ़ा हम कोड में अपने देख भी लेते हैं कि आया कि हम क्या यही बिल्कुल एग्जैक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊपर आ जाते हैं हम, ठीक है, करट DB और पोस्ट ये हम यही वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे गलत नाम लिख दूंगा कलेक्शन का या गलत नाम लिख दूंगा डेटाबेस का, तो उस नाम से एक नया डेटाबेस बन जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा ये सारा का सारा माल।
अच्छा आ जाते हैं जी, उसके बाद क्या हुआ, अवेट कलेक्शन डॉट अपडेट वन, और इसमें प्लॉट एम्बेडिंग के नाम से जो है ना ये एम्बेडिंग रखवाई जा रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है प्लॉट एम्बेडिंग कर दो, ठीक है प्लॉट एम्बेडिंग ही मैंने रहने दिया, ये इसका नाम चेंज कर लें, जस्ट एम्बेडिंग कर देते हैं। मैंने कहा जस्ट एम्बेडिंग है इसका नाम, ठीक है प्लॉट एम्बेडिंग नहीं। तो मैंने थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लिया इस कोड को, और बाकी का सारा कोड मेरा बिल्कुल ये वैसा ही रहेगा, ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, नीचे सेव का बटन दबाता हूँ, जैसे ही मैं सेव का बटन दबाऊँगा ये ट्रिगर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये अभी सेविंग फॉर्म में सेव हो रहा है अभी ये। तो मैंने क्या करवा दिया, पाइन कोन से इसको थोड़ा मुख्तलिफ काम ये किया कि पाइन कोन को हम डायरेक्ट वेक्टर बना के देते थे, इसके अंदर हमने डेटाबेस में डेटा एज इट इज़ इंटर मारा और ट्रिगर के अंदर इसको हमने वेक्टर में कन्वर्ट किया, ठीक है जी। ये ट्रिगर हमारे पास रेडी हो चुका है, मैं अब दोबारा ट्रिगर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही जाके इस जगह पे, तो मेरे पास क्या आ जाती है, एक ऐसे यहाँ पे ट्रिगर बन के नज़र आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी। एक ट्रिगर है इस तरह के, मैं कई और ट्रिगर भी बना सकता हूँ ऐड ट्रिगर का बटन दबाकर। अच्छा जैसे ही मैं ये ट्रिगर असल में बनाता हूँ ना, तो होता क्या है, वो होता ये है कि ऐप सर्विस के अंदर जाके ना एक छोटा सा सर्वर बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली वो जो फंक्शन है वो जो मैंने लगाया वो उस सर्वर के अंदर एक्चुअली चल रहा होगा, तो उस सर्वर के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल भी है, उस सर्वर के अंदर वो छोटी मोटी सारी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। तो आके ज़रा उस सर्वर में हम इन्वायरमेंट वेरिएबल अटैच कर देते हैं, और जैसे ही हम इन्वायरमेंट वेरिएबल अटैच कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि डेटा इंसर्ट होने पर ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, ट्रिगर चलेगा भी और एम्बेडिंग ला के भी रख देगा उसके अंदर, ठीक है। ये देखो इस नाम से मैंने पहले डिलीट मारा था ना, देखो दोबारा आ गया ये, मैं इस ट्रिगर के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करके इसके अंदर चला जाता हूँ मैं। अच्छा एक चीज़ आपने अगर नोट की हो, यहाँ पे उसका फ्री कोटा लिखा हुआ था कि इस सर्वर को हिट करने की लिमिट भी है, ये लिमिटेड है ना सर्वर, तो 1 मिलियन बैक करके एक दफ़ा बल्कि दिखा देता हूँ, बैक करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, इसने बोला भाई आपके पास ना 1 मिलियन रिक्वेस्ट है, जिसमें से 43 रिक्वेस्ट आप कर चुके हैं, फ्री टियर के अंदर ये आपको दे रहा है, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र 10 GB है, जिसमें से 0.01 मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो ये जो ऐप है ना मेरे पास, एक तो डेटा है जिसके अंदर डेटाबेस बना हुआ है, ये है ऐप, दिस इज़ एक्चुअली अ सर्वर छोटा सा, वो ट्रिगर असल में इस सर्वर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस सर्वर को हिट करने की जो लिमिट है ना मेरे पास, वो 1 मिलियन है। अब आई थिंक ये पर मंथ है 1 मिलियन ना, ठीक है पर मंथ है। ये जो यूजेज बता रहा है वो 1 सितंबर से 30 सितंबर बता रहा है, ठीक है। फ्री टियर रिजल्ट इन 17 डेज रीसेट, अच्छा हाँ सही है, 17 दिन के बाद ये दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा, यानी पूरा 1 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो हर महीने मतलब समझ लो ये आपको दे रहा होता है 1 मिलियन फ्री कॉल इस सर्वर की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 1 मिलियन रिकॉर्ड अगर इंसर्ट मार देता हूँ एक ही दिन में, तो ये मेरा जीरो हो जाएगा और उसके बाद मेरा ट्रिगर चलना बंद हो जाएगा इस 1 मिलियन कॉल के बाद, ठीक है। अच्छा तो मैं वापस अब ट्रिगर के अंदर चला जाता हूँ, ट्रिगर पर मैंने क्लिक किया, नहीं 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 ये पूरा ओवरऑल मेरे अकाउंट की लिमिट है ये, क्योंकि नीचे तो ऐप दो नज़र आ रही है ना, नीचे तो ऐप दो आ रही थी, लिमिट ये ऊपर अलग से बता रहा है, वो सारे ऐप की मिला के लिमिट है ये, ठीक है। लेकिन यार जब इतने यूज़र आपके पास आएंगे ना, 1 मिलियन अगर आपके पास हिट आ रहा है, तो फिर यार आपके पास इतने पैसे आ चुके होते हैं कि आप दे सकते हैं फिर ना। अच्छा यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर आके ना एक चीज़ है वैल्यू, ये मैं किसके अंदर मौजूद हूँ, ये मैं ट्रिगर्स के नाम से जो एक ऐप बनी है मेरे पास ऑटोमेटिकली उसके अंदर मौजूद है, उसमें वैल्यूज़ के अंदर जाता हूँ मैं। ये है मेरा एनवायरनमेंट वेरिएबल इसके अंदर, राइट। मैं यहाँ पे आता हूँ, क्रिएट न्यू वैल्यू करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इस नाम से मेरी वैल्यू बनेगी, किस नाम से, ओपन एआई एपीआई की, और मैंने कहा आप हो सीक्रेट, और आपके अंदर यहाँ पे मैंने ला के क्या पेस्ट करना है, यहाँ पे ओपन एआई की मैंने एपीआई की ला के पेस्ट करनी है, ठीक है। कहाँ से ला के पेस्ट कर देता हूँ मैं, मेरे पास जो एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पड़ा हुआ है मेरे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर, तो मैं इसी को ला के क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो मैं आता हूँ यहाँ पे और इसको, इसके लिए मैंने एक जुगाड़ ये निकाला हुआ है कि उसको मैं ऐसे करता हूँ और क्लोकिंग ख़त्म करता हूँ और इसको यहाँ पे पकड़ के और ये एंड तक ले जाता हूँ, कॉपी मारता हूँ और वापस क्लोक कर देता हूँ, ठीक है, जिससे ये क्या होता है वीडियो की रिकॉर्डिंग में शो नहीं होता। और यहाँ ला के फिर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ ला के पेस्ट करने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। हाँ नहीं वो वीडियो में रिकॉर्ड ना हो जाए ना, वैसे तो मैं रीसेट कर देता हूँ, शो भी कर सकता हूँ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जस्ट मैं सिखा रहा हूँ कि कभी आपको भी करना पड़े इस तरह तो ये कर सकते हैं। अच्छा ये जो सीक्रेट बना है ना, दिस इज़ नॉट इन्वायरमेंट वेरिएबल, दिस इज़ सीक्रेट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाऊँगा और उसको लिंक करवा दूँगा सीक्रेट के साथ। अच्छा ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, मिसाल के तौर पर एक नया दोबारा क्रिएट मारा मैंने, दोबारा क्रिएट मार के मैंने सेम नाम से किया और मैंने कहा अब की बार मैं बोल रहा हूँ सीक्रेट नहीं हो तुम, अब की बार मैं कह रहा हूँ तुम वैल्यू हो, वैल्यू का मतलब तुम खुद इन्वायरमेंट वेरिएबल हो, और मैं इसको कहता हूँ कि लिंक टू सीक्रेट।
मैंने कहा तुम एनवायरनमेंट वेरिएबल और तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारी वैल्यू एक सीक्रेट है, ये है तुम्हारी वैल्यू। मैं डायरेक्ट कंटेंट भी लगा सकता था, मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा ना एपीआई की तो भी चल जाता, लेकिन उन्होंने बोला ये डू फोल्ड करने बोला, उन्होंने बोला भाई कोई भी सीक्रेट चीज़ है वो सीक्रेट होगी पहले तो, ठीक है, वो एनवायरनमेंट वेरिएबल में आप प्लेन टेक्स्ट में नहीं लिखोगे, ठीक है। तो मैंने लिंक टू सीक्रेट करके मैंने ये सीक्रेट कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है, नहीं मैंने एक्चुअली एक भंड मारा है, मैंने एक भंड ये मारा है कि हाँ वैल्यू के अंदर की लगा दी, ठीक है, जिस की के लिए मैंने इतनी मेहनत की है अभी छुपाने के लिए, उसको मैंने यहाँ पे एक्सपोज कर दिया, ठीक है। तो अभी उसको रीसेट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, मेरे एनवायरनमेंट वेरिएबल को मैंने इस नाम से बना दिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ वापस, मैंने बेध्यानी में ना पेस्ट मारा तो वो कॉपी हुआ था टोकन और वो पेस्ट हो गया। अच्छा अब देखो मेरे पास क्या है, एक अदद इस वाले का जो नीचे वाला है ना इसका नाम है सीक्रेट, ये सीक्रेट है, इसके अंदर जो एक्चुअल टोकन स्टोर हुआ हुआ है, और ये ऊपर वाला जो इसकी टाइप है वैल्यू, और ये वैल्यू लिंक हुआ हुआ है उस सीक्रेट के साथ, ठीक है। तो ये दो हिस्सों में इन्होंने अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल को बांटा हुआ है, इसी तरह से इन्होंने आर्टिकल में इस चीज़ को डिस्कस किया, तो इसीलिए मैंने इसी तरह से इसको कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है ना कि यार आप जाओ ओपन एआई में ऐसे यहाँ से की निकालो, और की निकाल के आप क्या करो यहाँ पे लाके पहले आप ऐसे करो, इसको बोलो सीक्रेट है ये, और यहाँ पे की पेस्ट करो, फिर उसके बाद क्या करो, फिर उसके बाद बोलो दोबारा जाओ और आप बोलो वैल्यू है और लिंक टू सीक्रेट कर दो उसको। तो इन्होंने इसी तरह से बताया टू फोल्ड, तो हमने इसी तरह से उसको कर दिया। अच्छा अब क्योंकि हमारे पास क्या हो चुका है, हमारे पास MongoDB के अंदर ट्रिगर भी तैयार है, और ट्रिगर के साथ साथ उस ट्रिगर के अंदर जो फंक्शन है उसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल में OpenAI की भी आ चुकी है, ठीक है, OpenAI की भी उसमें आ चुकी है। तो अब जो मेरा ये ट्रिगर है ना ये रेडी है, इसका मतलब क्या है कि अब मैं अपने डेटाबेस के अंदर, ये मेरा ट्रिगर है राइट, अच्छा इस ट्रिगर के अंदर जो फंक्शन चल रहा है उसके मुझे लॉग्स भी कभी देखने पड़ सकते हैं, वो मैं लॉग्स कहाँ से देखूंगा जाके, वो मैं जाऊंगा इस ऐप सर्विस में वापस, जहाँ पे मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया है ना उसी के साथ लॉग्स भी आ रहे थे उसमें, तो मैं उस एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे जाके मैं लॉग्स को ओपन कर लेता हूँ, ताकि जब मेरा ट्रिगर चले ना तो उसमें लॉग्स जो आते हैं वो मैं देख भी सकूँ, यहाँ पे कोई हो सकता है एरर आ जाए उसमें, तो वो मैं उसको डायग्नोस करने के लिए मुझे वहीं पर जाना पड़ेगा। इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा है यार, क्या बकवास है आज। नहीं यार ये प्रोजेक्टर का चक्कर है ना, दूसरे इंटरनेट पे मैं जा नहीं सकता। अच्छा इस ट्रिगर के अंदर चला जाता हूँ मैं, इस ट्रिगर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे ये वैल्यूज़ थी ना जो, इसी वैल्यूज़ के नीचे यहाँ पे ये लॉग्स आ रहे हैं, इस लॉग्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी ये लॉग्स खाली हैं इस वक्त, ठीक है, अभी इस लॉग्स के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि ट्रिगर बना ही अभी और चला नहीं है एक दफ़ा भी ये। तो अब क्या होगा जब यहाँ से मैं नई पोस्ट मारूंगा जब, तो क्या होगा, इस आर्टिकल को मैं ज़रा उधर कर देता हूँ, यहाँ से मैं एक नई पोस्ट मारूंगा तो ये ट्रिगर चलेगा, यहाँ एक लॉग आएगा, और यहाँ पे जो कलेक्शन है मेरी, यहाँ जो दिख रहा है मुझे कलेक्शन में, यहाँ पे जो आएगी ना उसके साथ मुझे वो एम्बेडिंग भी नज़र आनी चाहिए, क्योंकि ट्रिगर जो फौरन ही चल जाता है जब तक मैं रिफ्रेश करूँगा, जब तक चल चुका होगा। तो आगे एक नई पोस्ट मारते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई दिस इज न्यू पोस्ट, ठीक है, ट्रिगर इज एडेड, और ये मैंने पोस्ट को पब्लिश किया यहाँ से, ठीक है। नोट करो कि मैंने सर्वर में कोई चेंज नहीं किया, सर्वर में मेरे सीधा सीधा क्रड हुआ हुआ है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुई भी। वहाँ पे जब ये डेटा पहुँचता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये ट्रिगर चलता है, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये ट्रिगर मुझे शो हो जाएगा यहाँ पे, पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मुझे लॉग्स यहाँ पे दिख जाएंगे जिसमें वो ट्रिगर चला है ना, तो उस पर जो लॉग्स आए हैं वो मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है, ये आ गया भाई लॉग्स मेरे पास। तो इसने मुझे ये भी बता दिया भाई 300 मिलीसेकंड में चला है ये, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया भाई, सक्सेसफुली एम्बेडिंग और ये सब लिखा हुआ आ गया इसमें, ठीक है, पता नहीं तीन दफ़ा क्यों चला ये। वेल मे बी वो मैंने सेव वेव मारा है ना तो उस पर भी ज़रा कोई चेंज आता हो तो उस पर भी चलता हो। अब यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ, इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो दो डॉक्यूमेंट है अभी यहाँ पे, तीन डॉक्यूमेंट जैसे ही होगा ना तो तीसरे वाले पे मुझे एम्बेडिंग नज़र आनी चाहिए, ठीक है, तीसरे वाले पे मुझे ये एम्बेडिंग नज़र आ रही है, ठीक है, एम्बेडिंग यहाँ पे आगे सेव हो चुकी है। अच्छा ये बाकी दोनों पे कैसे आएगी, अपडेट मारूंगा तो आ जाएगी, क्योंकि अपडेट पे भी तो लगाया हुआ मैंने,
तो अब मैं क्या करता हूँ, बाकी दोनों जो नीचे वाले मेरे, एक तो ये वाला है, इसमें तो एम्बेडिंग एडिट है, बाकी ये वाला और ये वाला, इन दोनों में क्या करता हूँ मैं, अपडेट मारता हूँ तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने न्यू पोस्ट न्यू कर दिया इसको, इसको भी मैंने मार दिया, और यहाँ पे भी आता हूँ मैं और मैं कहता हूँ कि यार ABC, और इसको भी मैंने सेव मार दिया। ठीक है, तो दोनों पोस्ट को मैंने बारी बारी अपडेट मारा है, तो अब क्या हो चुका होगा, यहाँ पे तीनों में मुझे दिख रहा होगा एम्बेडिंग। ठीक है, तीनों में एम्बेडिंग दिख रही है अब मुझे, ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो मेरा काम हो गया एम्बेडिंग को ऐड करने वाला। अब देखो बिल्कुल मैं ये हैजर्ड फ्री हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अपना करड़ ऑपरेशन बनाऊँगा सीधा सीधा, ये पीछे खुद ही चलता रहेगा जब जिसको जितना चलना होगा। ठीक है, मुझे अब इसकी कोई टेंशन नहीं है, मेरे कोड से इसका कोई ताल्लुक भी नहीं है, मेरा कोड बिल्कुल सेपरेट हो गया। ठीक है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब जब मैं चलाऊँगा ना क्वेरी, अब जब मैं चलाऊँगा क्वेरी, तो क्वेरी चलाने पे एक ख़ास अंदाज से, पहले तो मैं चलाता ना फाइंड चलाता था मैं। ठीक है, मैंने बताया था कि MongoDB में एक चीज़ होती है फुल टेक्स्ट सर्च, तो फुल टेक्स्ट सर्च जो होता है वो डॉलर सर्च करके उसको हम चला रहे होते हैं, वो एक थोड़ा मुख्तलिफ चीज़ है। ठीक है, फाइंड से मुख्तलिफ है वो, तो हम उसी तरीके से एक सर्च की क्वेरी चलाएंगे, डॉलर सर्च वाला माल चलाएंगे हम, और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जी इस एम्बेडिंग के ऊपर सर्च चलाओ। ठीक है, और एक ख़ास अंदाज से हम उस सर्च को चला रहे होंगे, तो करते हैं ये वाला काम।